अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो कैश को अलविदा कहना ही होगा। ये प्रॉब्लमैटिक है, थोड़ा परेशानी देने वाला है, लेकिन ऐसा करना होगा। हमें दुनिया की सबसे बड़ी कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने की तरफ कदम बढ़ाना ही होगा। वैसे ऐसे देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर बेल्जियम है, जहां 93% से ज्यादा लेन देन ऑनलाइन तरीकों से किया जाता है। बेल्जियम में 3,000 यूरो, ध्यान से सुनिएगा, बेल्जियम में 3,000 यूरो से ज्यादा के कैश का लेन देन कानूनन अपराध है। बेल्जियम की 86% जनसंख्या के पास डेबिट कार्ड है। दूसरे नंबर पर फ्रांस आता है, जहां 92% लेन देन जो है वो कैशलेस होता है और 69 लोगों के पास डेबिट कार्ड है, जबकि कनाडा में 90% लेन देन जो है वो ऑनलाइन ही होता है। अफसोस की बात ये है कि फिलहाल भारत में, हमें पता है, भारत में सिर्फ 3% लेन देन ही कैशलेस तरीके से होता है, जबकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां 90% से ज्यादा लेन देन कैशलेस सिस्टम के तहत किया जाता है, जिससे उनका टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ जाता है और इससे सरकार के पास विकल्प बहुत सारे हो जाते हैं विकास कार्यों को लेकर, क्योंकि विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा फिर सरकार के पास होता है। कैशलेस इकोनॉमी बनने की दिशा में स्वीडन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन ऐसा पहला यूरोपीय देश था जिसने सबसे पहले साल 1661 में बैंक नोट्स जारी किए थे। 1661 में स्वीडन में पिछले कई सालों से बसेस में कैश देकर टिकट नहीं खरीदा जा सकता। स्वीडन की 1600 बैंक ब्रांचेस में करीब 900 अपने पास ना तो कैश रखती है और ना ही कैश डिपॉजिट लेती है। स्वीडन के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां अभी तक ATMs नहीं है। स्वीडन 2030 तक 100% कैशलेस इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ चुका है। फिलहाल वहां 90% ट्रांजैक्शन कैशलेस होते हैं। कैशलेस होने के 5 फॉर्मूले आपको हमने ब्रेक से पहले बताए थे, अब उनसे जान लेते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने कैशलेस होने की अपील की है, यानी आपकी न्यूज में अब आपकी आवाज। मेरा तो यही कहना है कि मोदी सरकार जो है देश के लिए बहुत अच्छा अभियान छेड़ा है और इससे जो ये मोबाइल का जो सिस्टम किया है वो खुद का अपना बैंक समझिए और ये सब मोबाइल से ही अपना जो भी है दुकानदारी हर एक चीज़ खरीदारी सब सारा चीज़ कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत अच्छा समझता हूँ इसको, और जो युवा पीढ़ी है वो हम लोगों को सिखाएगी, भले हमको नहीं आता है लेकिन वो सिखाएगी, हम सीखेंगे। सिखा भी रही है और सिखा भी रही है, बराबर है, और इससे कालाबाजारी सब खत्म हो जाएगी। मन की बात में आज हम लोग ने सुना है कि युवा आगे बढ़े और खुद, मतलब युवा शक्ति आगे बढ़ेगी तो देश तरक्की करेगा। तो युवा हम हैं तो जाके अपने सीनियर्स को जाके बताएंगे, तो है थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे मोबाइल आया था थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, फिर उसके बाद में अब धीरे धीरे सब सीख गए। तो ये जो मोबाइल में ट्रांजेक्शन का सिस्टम है मोबाइल का और ई बैंकिंग सिस्टम, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, धीरे धीरे जो भी होगा कवर कर लेंगे।